सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है sec x इक्वल टू टू, क्या है sec x टू के इक्वल है, हमने फॉर्मूले सारे साइन कॉस के सीख रखे हैं, तो आप चेंज कर देना, तो यहाँ पे cos x कितना हो जाएगा, 1 बाई टू हो जाएगा, cos x हो गया 1 बाई टू के इक्वल। अब cos की वैल्यू 1 बाई टू पॉजिटिव है, ठीक है, पहले पॉजिटिव छोड़ो, पहले ये बताओ 1 बाई टू कहाँ होता है, cos की वैल्यू 1 बाई टू होती है 60 डिग्री पे, क्या यहाँ पे भी अल्फा जो है वो इधर लिख लो पाई बाई थ्री होगा कि नहीं होगा, बताओ क्या अल्फा पाई बाई थ्री होगा, क्या अल्फा हमारा पाई बाई थ्री हो जाएगा, अच्छा ठीक है। अब cos की वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो हमारा आंसर cos की वैल्यू पॉजिटिव का कहां कहां होगा, फर्स्ट में होगा और फोर्थ में होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, फर्स्ट एंड फोर्थ, क्लियर है मेरी बात, फर्स्ट एंड फोर्थ होगा कि नहीं होगा, cos की वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है, फर्स्ट में और फोर्थ में, तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो पहले वाले क्वाड्रेंट में आंसर क्या अल्फा है, तो अल्फा मेरा पाई बाई थ्री हो गया, दूसरा आंसर क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में टू पाई माइनस अल्फा, तो टू पाई माइनस का पाई बाई थ्री करोगे, थ्री टू जा सिक्स, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई थ्री कॉमा फाइव पाई बाई थ्री, यही तुम्हारा आंसर हो गया, बात समझ में आ गई, निकल गए तुम्हारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दीज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दीज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, समझो समझो इस बात को, समझो इस बात को, ये तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया है, आया समझ में, समझ में आ गया, देख लो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया है पाई बाई थ्री फाइव पाई बाई थ्री, अच्छा अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन आने के बाद अगर हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स हमारे पास है वन बाई टू, कॉस एक्स इज इक्वल टू हम लिख देंगे इसको कॉस, कौन सा लीस्ट वाला एंगल ले लो पाई बाई थ्री, क्या लिख लिया पाई बाई थ्री, अब कौन सा फॉर्म लगेगा कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई का, क्या है फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, वाई कितना है पाई बाई थ्री, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, काम खत्म, कमेंट कर दो फटाफट, समझ में आ रहा है, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है इस प्रिंसिपल जनरल में, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्लियर है सबको, देख लो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, मैंने बहुत अच्छे से क्वाड्रेंट समझा दिया, कैसे क्वाड्रेंट लेना है उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, बस अल्फा डिसाइड करो, कुछ ज्यादा टेंशन लो मत, ठीक है, और फिर बाद में बस जब जनरल निकालना हो तो लीस्ट वाला एंगल निकाल के फॉर्मूला पुट कर दो, काम खत्म, ठीक है, हाँ इसमें प्लस माइनस दोनों है तो प्लस माइनस दोनों लिखना है, फॉर्मूला जो है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, चलो अब